खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, सहारनपुर के देवबंद से जैश का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी अखिलेश के पास। शुक्रिया नेहा, बहुत बड़ी खबर है ये। सहारनपुर के देवबंद से जैश का आतंकी शाहनवाज अहमद तेली गिरफ्तार किया गया है। आपको यह बता दें, शाहनवाज जैश के इशारे पर आतंकियों का काम देखता था। यूपी एटीएस ने छापेमारी के बाद शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। तो वॉर रूम से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, शाहनवाज जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और सहारनपुर में आतंक के रिक्रूटमेंट मैनेजर का काम कर रहा था। और एक ताजा जानकारी यह भी है कि दोपहर 1 बजे यूपी के डीजीपी ओपी सिंह पूरी डिटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नेहा के पास। नेहा, शुक्रिया आपका अखिलेश। ये बड़ी जानकारी वॉर रूम से हमें अखिलेश दे रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा आतंकी जो कहीं ना कहीं जैश की गतिविधियों पर भारत में नजर रखे हुए था, देवबंद से जैश का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेश पांडे के पास। वीरेश, एक ऐसे वक्त में जब जैश पर शिकंजा भारत को लगातार कसना है, इस आतंकवादी की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, जैश ए मोहम्मद के ऊपर चारों तरफ शिकंजा कस लिया गया है और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 4 संदिग्धों पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है। सहारनपुर के देवबंद में यूपी एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन है और एटीएस के आईजी असीम अरुण पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और वो जिस तरह से सफलता पाए हैं और जैसे मोहम्मद आतंकी शहनवाज अहमद तेली को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके इरादे उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने को लेकर थे और जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, जो प्रमुख शहर हैं, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन पर उनकी आतंकी कार्रवाई हो सकती थी। उनके नापाक इरादों को एटीएस ने नाकामयाब किया है और उनको हिरासत में लिया है और जैसे मोहम्मद के आतंकी शहनवाज अहमद तेली को तो गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ जो और हिरासत में जिनसे लिया गया उनको पूछताछ की जा रही है उनसे और भी खबरें उनसे निकल कर आ रही है और इस बाबत 1 बजे उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ओपी सिंह और इसमें अहम खुलासा करेंगे कि क्या इरादे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वीरेश, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, शाहनवाज अहमद तेली को गिरफ्तार किया गया है सहारनपुर के देवबंद से। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैश का रिक्रूटमेंट मैनेजर था और इस बारे में अब दोपहर 1 बजे जब यूपी के डीजीपी खुलासा करेंगे तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें, सोपोर में करीब 19 घंटे से आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। ये एनकाउंटर बीती रात शुरू हुआ और जो पहला फायर है वो सुबह 4:30 बजे किया गया था। उसके बाद से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लगातार फायरिंग हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए जो जानकारी है वो बहुत छन छन कर आ रही है। हम आपको बता दें, अभी तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, कम से कम 2 आतंकवादी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ इस वक्त भी मुठभेड़ कर रहे हैं। रात का एनकाउंटर, सुबह 4:30 बजे पहली फायरिंग की गई, उसके बाद से धीरे धीरे ही जानकारी मिल पा रही है। अभी भी एनकाउंटर ऑन है, एक आतंकवादी का सफाया कर दिया गया है, 2 को ढेर करने की, 2 और आतंकवादियों को ढेर करने की तैयारी चल रही है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें, सोपोर से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और पुलवामा हमले के बाद चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से एबीपी न्यूज ऑपरेशन डिटेल आपको नहीं देता, लेकिन जितनी जानकारी आपको बताई जा रही है वो हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोपोर के वारपुरा इलाके में आज सुबह तड़के जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो अब भी जारी है और अब तक इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। खबरों के अनुसार, जो सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी उसके अनुसार, लश्कर के कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट जो हैं वो इस इलाके में छुपे हुए थे, जिसके बाद कल शाम तकरीबन 6 बजे इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और घर घर तलाशी शुरू कर दी गई। रात भर चले इस ऑपरेशन के बाद तकरीबन 2 बजे के करीब उस घर के पास सुरक्षा बल पहुंचे जहां पे मिलिटेंट्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ, लेकिन अंधेरा होने के कारण इस ऑपरेशन को सुबह होने तक स्थगित कर दिया गया, जबकि सुबह तड़के तकरीबन 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होते ही दोनों ओर से गोलीबारी होती रही तो तकरीबन 7:30 बजे उस एक मकान के हिस्से को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया जहां से ये गोलियां चल रही थी। ये माना जा रहा है कि इसमें एक मिलिटेंट है, उसकी मृत्यु हो गई, जबकि अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि अभी यहां पर गोलीबारी रुकी हुई है और सुरक्षा बल
ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरा मिलिटेंट है उसको एक मकान के एक हिस्से में कॉर्नर करके वहां पे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन फिलहाल तो आतंकियों का खात्मा करने की पूरी तैयारी ये है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।